की जाती है कि हमने बेगन आजादी के साथ कॉन्टेक्ट किया। बेगन आजादी का कहना है कि आज रोड नहीं खुल पाएगी। आज की डेट में सुकून जा रहे हैं और अभिनंदन आ रहे हैं। बेगन का कहना है कि रोड जो है उसकी कंडीशन पूरे दिन के लिए रेड रहेगी। बेगन आजादी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आप लोगों का यहाँ पर बैठना बेकार है। आप लोग अपने अपने ठिकाने पर अपने अपने घरों में वापस चले जाए और बेगन आजादी जब भी ग्रीन देती है उस टाइम बाजाबता तौर अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आज जिनके लिए कंप्लीट बंद है, आज जिनके लिए कंप्लीट रेड आया है बेगन आजादी की तरफ से, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपना वक्त जाया करने के बगैर अपने अपने घरों में वापस चले जाए। शुक्रिया। आज कोई भी किसी किस्म की गाड़ी रोजीला रोड पर नहीं जाएगी। पत्नियां आ रही है, सुदून आ रहे हैं बेगन के कहने के मुताबिक। बेगन आजादी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आप लोगों का यहाँ पर इंतजार करना कोई फायदा नहीं है। आप आपसे अपने ठिकाने पर चले जाए और जब ग्रीन आ जाएगा तो आप अनाउंसमेंट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जोजला सोनमर्ग अपडेट। फिलहाल बीआरओ टीम की तरफ से रेड सिग्नल दिया गया है क्योंकि जोजला पास में बहुत सारे जगहों पे पत्थर गिरा हुआ है और कहीं जगह पे थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड भी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस फिलहाल रेड सिग्नल दिया गया है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेंगे तो रात में अलॉटमेंट किया जाएगा। ऐसे में हमें फिर से एक बार बीआरओ टीम की सिग्नल का इंतजार करना होगा। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे सोनमर्ग जोजला अपडेट के साथ। Thank you.